हमारा जो आज का टॉपिक है, जो वेबिनार है, दैट इज मेनली ऑन पित्र दोष एंड इट्स रेमेडीज। नाउ नॉर्मली पित्र दोष किसको बोलते हैं? तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्शंस ऑफ पित्र दोष। पहला वर्षन ये बोलता है कि पित्र दोष तब लगता है जब कोई नेटिव ने अपने एंसेस्टर्स के, पितृ मतलब एंसेस्टर्स, दोष मतलब कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई गलती करी है। कोई गलती करी है। तो पितृ दोष, एक थ्योरी ये बोलती है कि हो सकता है जो नेटिव है, जो इंसान है, जो हमारे पास आया है, उसने अपने जीवन में अपने पितरों का, फादर का या ग्रैंडफादर का श्राद्ध ना किया हो, इसलिए ये थ्योरी है, जो मिथ है, जो वी विल बी ट्राइंग टू एनालाइज इट, श्राद्ध ना किया हो जिसके कारण उनके पितर उनसे नाराज हैं। दिस इज वन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इज कि हो सकता है ये जो नेटिव है, इसके जो पितर हैं, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, वो किसी और कारण नाराज हों इस नेटिव से, जो उनको या इस नेटिव को परेशान कर रहे हैं। सो हमारा जो कोर्स का एक एल्गोरिदम होगा, वो कैसे होगा? सबसे पहले हम पितृ दोष के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, फिर इसको ढूंढेंगे चार्ट्स में, हाउ टू फाइंड द पितृ दोष। हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा, और तीसरा साथ साथ हम उसकी रेमेडीज का भी डिजाइन करेंगे। रेमेडीज मेनली क्या क्या होंगी? रेमेडीज आर द रेमेडीज ऑफ द प्लैनेट्स। तो एक चीज हमें बोलती है कि हो सकता है उसने श्राद्ध ना किया हो, बट एक चीज इसमें हमने ये सोचने वाली है कि हम देखते हैं कि क्या पितृ दोष जो होता है वो, अगर मान लो, अगर हम ये वाली थ्योरी लेके चलते हैं, इफ वी टेक द फर्स्ट थ्योरी दैट हो सकता है सामने वाले इंसान ने उनके पितरों का श्राद्ध ना किया हो, या किया हो तो अच्छे से ना किया हो, बट सपोज अगर कोई नेटिव, कोई बच्चा, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, सपोज छोटे होते, उनसे उसके बर्थ से 2 साल 3 साल के बाद उसके फादर की डेथ हो जाए, उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाए, तो ही और शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म द राइट्स एज पर द स्क्रिप्चर्स। तो क्या वो पितृ दोष उसके चार्ट में दिखेगा? नंबर 1, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म द राइट्स और द ड्यूटीज फेथफुली, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो क्या वो पितृ दोष उसके चार्ट में दिखेगा? द आंसर इज नो। पितृ दोष इज नॉट फॉर्म्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उन्होंने श्राद्ध नहीं किया, या उन्होंने कोई ना कोई गलती हो गई उनसे इस नेटिव से, तो उसके पितृ नाराज हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है कि पितृ नाराज हैं। द फर्स्ट मिथ ऑफ पितृ दोष दैट पितृ हमसे नाराज हैं, इस टोटली अ मिथ, इट्स टोटली अ रॉन्ग कन्वेंशन। पितृ दोष का बेसिक मतलब होता है कि पितृ नाराज नहीं है, पितरों का जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं उस नेटिव पर भी ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के दादाजी ने दादी से शादी करी और उनको एक आइडिया मिल गया इस दादाजी को कि दादी के फैमिली को थोड़ा सा परेशान करो मनी के लिए, तो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया फैमिली को, दादी की फैमिली को, दादी की फैमिली ने दादाजी को पैसे देने शुरू कर दिए। दिस पर्सन स्टार्ट्स ग्रोइंग फाइनेंशियली ऑन द
वर जॉब दिस फीमेल, कर्मा काउंट हो गया यहाँ पे। यही चीज, यही चलन उसके फादर को भी लिया, तो इसके फादर ने भी मदर से या मदर की फैमिली से पैसों के लिए, दिस इज वन एग्जाम्पल, मनी के लिए थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दिया, और नाना जी ने या फादर के इन लॉज ने पैसे देना शुरू कर दिया, तो अगेन दिस फादर स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो इनका भी कर्मा कहीं ना कहीं काउंट हो गया। अब जब ये नेटिव आया, जो मेरे पास या आपके पास आया, उसने एक चीज बोली कि सर आप चार्ट में देखे बताइए कि क्या पितृ दोष है, तो चार्ट में देखे बोलेंगे बिल्कुल है, बट वो नेटिव बोलेगा सर मैं तो अपने पितरों का अच्छे से श्राद्ध भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो उसे ये पितृ दोष क्यों लगा, क्योंकि ये जो कर्मा थे ये यहां से ट्रांजिट होके ट्रेवल होके इसके पास आए हैं, जैसे वी हैव द इनहेरिटेड ब्लड, वी हैव द इनहेरिटेड डीएनए, वी हैव द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, वी हैव द इनहेरिटेड नेम, इन द सेम वे चाहो या ना चाहो ये हमें मिलता ही है, वी आर सपोज टू टेक दिस पित्र का जो कर्ज है, जो कर्मा है, वो हमें मिलता ही है। सो पितृ दोष जो होता है वो दो तरीकों से फॉर्म होता है। नंबर वन, मे प्लीज राइट, इट इज फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू नेटिव्स ओन कर्मास, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू नेटिव्स ओन कर्मास। तो ये कौन से घर से पता चलेगा, विच हाउस विल टेल दिस, फिफ्थ फिफ्थ हाउस ऑफ नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ फिफ्थ हाउस, हाउस फिफ्थ हाउस संचित कर्मा, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एंसेस्टर्स कर्मा, नाइन्थ हाउस हाउस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरा, जो नेटिव का एक चार्ट है, D1 चार्ट मोटा मोटा, दैट इज मेनली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द संचित कर्मा, एंड हिज एंसेस्टर्स कर्मा। जो मैं यहां पे करने आया हूं वो मेरे को पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड, जो मेरा कर्ज है, जो हम सबका कर्ज है, वो मेरे को इस जन्म में करना है। दैट इज हाउ द चार्ट इज फॉर्म्ड, और उसमें ये दो कर्मास या ये दो पेंडिंग चीजें आती हैं। अब दो कहानियां सुनते हैं। जब खुद की, खुद के कर्मों से, जब खुद के कर्मों से पितृदोष बनता है, और जब एंसेस्टर्स के कर्मों से पितृदोष बनता है, तो हमारी मिथोलॉजी में, इंडियन मिथोलॉजी में दो कहानियां हैं। पहली कहानी क्या है, खुद के कर्मों की कहानी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर जस्ट बिल्डिंग अ बैकग्राउंड स्टोरी ताकि हम पितृदोष को अच्छे समझ पाए, और जो हमने अभी तक सुना पढ़ा लिखा उसको डिमिस्टिफाई कर सकें। पहली कहानी आती है खुद के कर्मों के कारण जीवन में प्रॉब्लम आना, और उसका नाम दिया जाना पितृदोष। तो पहली कहानी आती है जय और विजय की। जय और विजय कौन थे, विष्णु जी के वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। तो हाँ, वैकुंठ के द्वारपाल थे। ठीक है, उनकी कहानी क्या आती है, अगर मैं किसी पीएम का, किसी बहुत हायर ऑफिसर का कुछ सेक्रेटरी बन जाऊं, कुछ कुछ भी बन जाऊं, तो उस नेटिव में कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाएगा, गुरूर आ जाएगा। यही चीज हुआ, उनके माइंड में घमंड आ गया, गुरूर आ गया कि हम विष्णु जी के वैकुंठ नाथ, वैकुंठ धाम के द्वारपाल हैं। नो वन कैन मीट लॉर्ड विष्णु विदाउट आर परमिशन। तो एक दिन क्या हुआ, चार कुमार, फोर कुमारास, उनका नाम क्या था, सनक, अश्विनी कुमार सर, नहीं 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 मैम, सनक, सनंदन,
यस सनत सनंदन सनातना एंड सनत कुमार सनत सनक सनंदन सनातन एंड सनत कुमार दीज वर फोर मानस पुत्रा पुत्रास ऑफ होम ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी दीज वर फोर मानस पुत्रास ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा जी जो अपनी देवर वेरी हाई लेवल पीपल जिनके यज्ञ के कारण इनकी प्रैक्टिस के कारण उनकी एज बहुत कम लगती थी तो वो गए विष्णु जी को मिलने बट जय विजय ने देखा कि चार बच्चे आ रहे हैं तो उन्होंने उनको मिलने नहीं दिया द चार कुमारास वर लेफ्ट वर नॉट अलाउड टू मीट विद लॉर्ड विष्णु तो उनको गुस्सा आ गया कि भैया हमें हम विष्णु हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वी आर नॉट सपोज टू मीट वी आर नॉट अलाउड टू मीट विद लॉर्ड विष्णु तो हम आपको श्राप दे देंगे तो फिर उन्होंने श्राप दिया क्या श्राप दिया ये मैं बता रहा हूं कि उनके खुद के कर्मों के कारण गुरूर आ गया कर्म अकाउंट हो गए प्रॉब्लम आ गई उनको उसका डेट चुकाना ही पड़ेगा तो क्या कर्म थे उनके उनको क्या पनिशमेंट मिली उनको ये पनिशमेंट मिली कि उनको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा और विष्णु जी से मार खानी पड़ेगी सबसे पहले त्रेता युग में कौन बने त्रेता युग में जो जय विजय थे वो थे अरे रावण त्रेता युग में कहां पे आ गए सॉरी सत्ययुग में सबसे पहले सत्ययुग में फिर त्रेता युग में फिर द्वापर युग में सबसे पहले सत्ययुग में हाँ जी बावन अवतार आए थे नहीं वो प्रहलाद के फादर क्या बने थे प्रहलाद पहले सतयुग में आए थे दो भाई हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यप ये कौन थे ये महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे जो अपने कर्मों के कारण जो भगवान के वैकुंठ धाम में रहते थे दे हैड टू डिसेंड इन द फॉर्म ऑफ असुर असुर इज अ वेरी बिग नेम बिग बिग वर्ड इन्होंने धरती पे कहर मचाया था या बोले यूनिवर्स में कहर मचाया था वी कैन से बिकॉज ऑफ देयर ओन कर्मास तो उनकी पनिशमेंट क्या थी उनकी अटोनमेंट क्या थी कि आपको विष्णु जी से मार खानी पड़ेगी या मारा जाना पड़ेगा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार तो हिरण्याक्ष को किसने मारा था हिरण्याक्ष को मारा था वामन अवतार ने वामन अवतार ने है ना छोटा सा ना सर। और हिरण्याकश्यप को किसने मारा था नरसिंह अवतार ने नरसिंह अवतार तो विष्णु जी का विष्णु जी के अवतार ने जय विजय को पनिश करने के लिए ये वाला अवतार धारण किया दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ओन सिंस ओन कर्मास दे हैड टू फेस द प्रॉब्लम्स फिर त्रेता युग में कौन आए वही जय विजय बनके रावण एंड कुंभकर्ण उनको किसने मारा था रामचंद्र जी उनको श्री रामचंद्र जी ने मारा था और द्वापर युग में वही लोग जय और विजय कंस क्या बनकर आए थे कंस और शिशुपाल बने थे कंस नहीं थे जरासंध नहीं थे शिशुपाल और थे दंत वक्र ये यहाँ पे मिथ है यहाँ पे गलती है मतलब अच्छा। दंत वक्र इतने पॉपुलर नहीं है कंस ज्यादा पॉपुलर है कंस तो शिशुपाल जो जिनके 99 वो माफ करने थे सोमा पे उड़ा देना था और दंत वक्र तो कहने की बात है कुछ भी बोलोगे इट विल बी काउंटेड कब काउंट होगा कहाँ काउंट होगा ये हमें नहीं पता बट इट विल बी काउंटेड अब इसकी एक प्रैक्टिकल बात करते हैं इवन इफ अ पर्सन डज अ स्मॉल चोरी और मान लो बिजली की चोरी करते हैं वो कुंडी लगा लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके चार्ट में रिफ्लेक्ट होगी इधर उनके एंसेस्टर्स करें तो भी उसके चार्ट में रिफ्लेक्ट हो सकती है या वो खुद करें कैसे होगा कोई बता सकते हैं चार्ट में अगर देखना हो कि इस नेटिव ने हो सकता है बिजली चोरी करी हो या टैक्स चोरी करा हो तो कैसे देखेंगे
बिजली चोरी सिक्स थी ना उसने। थाउजेंड संचित कर्मा का जो होगा सर पांचवा। सपोज अगर मेरे को देखना है, अगर सपोज मेरे को देखना है कि हो सकता है इनके चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये हुआ होगा, वो क्या है? तो संचित कर्म वाला घर पांचवा घर। अगर मार्स और राहु कहीं ना कहीं साथ में कनेक्शन बना रहे हो, वाई राहु एंड वाई मार्स? मार्स बिजली सर, मार्स इलेक्ट्रिसिटी। मास इलेक्ट्रिसिटी मार्स इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, राहु इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी राहु इज इलेक्ट्रिसिटी, मार्स इज चोरी ऑल्सो, एंड इफ इट इज फॉर्मड इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस बाय काहे? घर के काम के लिए बिजली चोरी करेगा। अगर मार्स राहु चौथे घर में आके बैठेंगे तो हम बोलेंगे हो सकता है आपने बिजली चोरी करी हो और करता भी हो। अभी और अगर रिसेंटली सेवंथ हाउस में आएगा, जस्ट मिनट मैम, और अगर सेवंथ हाउस में आएगा तो क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री इंडस्ट्री में में, इंडस्ट्री ये खुद के कर्मों के कारण। नाउ नेक्स्ट, चलो मैंने कोई कर्म नहीं करे या नेटिव ने कोई खराब कर्म नहीं करे, क्वेश्चन कि लेट मी ये कंप्लीट तो अभी स्टोरी, लेट मी कंप्लीट इसी लाइफ स्टोरी। में चोरी कर रहा तो पहले से ही है ना कि उसके उसमें चार्ट में होएगा बिल्कुल होएगा मैम, जो तो फिर मेरा इस जन्म का चार्ट है वो मेरा पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड है। मैं नहीं अंडरस्टूड इस जन्म में अभी बताऊंगा ना, अभी चलेंगे ना, जब मैं प्लैनेट्स की नक्षत्र नवमांश डिग्री बताऊंगा तो क्या करने आए हैं हम, तो और मजा आएगा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। इवन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स प्ले अ रोल इन पितृ। यस 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 एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। सो मैं कहा था, अगर मान लीजिए मैं बिजली चोरी सेवन थाउस मंगल सेवन थाउस मंगल अगर फोर्थ में है और राहु प्लस मंगल अगर सेवेंथ में है तो सर अगर एंसेस्टर्स ने किया हो तो हाउ विल कम टू नो आ रहे हैं ना, उस पे आ रहे हैं अभी। अभी पहले खुद का देख लो, खुद खुद हमने क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, कांड किए हैं पिछले जन्म में, वो तो देखो पहले। सर। जेकर हमारे चार्ट में ये ऑलरेडी है मार्स एंड राहु इन फोर्थ हाउस और इन सेवेंथ हाउस इसका मतलब हमने करनी है चोरी वो कर रहे होगे आप, जी हो सकता है कर रहे हो आप। तो पहले यानी कि प्रिडिक्ट हो चुका हुआ है कि हमने करनी है ऐसे है ना हम करके आए हैं और उसके भुगतान करेंगे। मास रहो फोर्थ हाउस में क्या देगा? ऑलरेडी डन दैट इन द पास्ट लाइफ एंड वी हैव कम विद दैट इन यस, दिस मास रहो फोर्थ हाउस में क्या देगा? डिस्टर्ब फैमिली लाइफ मतलब पीस अब ऑफ जो कर माइंड रहे हैं लोग वेरी डिस्टर्ब तो वो नेक्स्ट उसके चार्ट में आएगा अगले पार्टनरशिप जन्म में कुछ गड़बड़ करना है सर में। देखिए सुनिए, जो करके आए हैं भुगतान तो करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट, ये कंफर्म है। अभी मैं आपको श्री रामचंद्र जी की स्टोरी सुनाऊंगा तो और क्लियर होगा, बट ये क्लियर है जो करके आए हैं, जो करके आए हैं उसका भुगतान करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और जो कर रहे हैं अगर लकी हैं तो इस जन्म में भुगतान कर देंगे, अदरवाइज फिर से आना पड़ेगा। चलिए एक स्टोरी और सुनते हैं। ये स्टोरी हो गई कि भैया जब लोगों ने खुद के कांड करे हैं, बट मार्स एंड राहु इन फोर्थ हाउस इज विच कर्मा इन आवर ओन कर्मास मैम कुछ भी मैं बता रहा हूं, अगर मार्स और राहु हैं तो हो सकता है, मतलब ये कंफर्म है कि बिजली की चोरी करी होगी। हाँ सेवेंथ और फोर्थ हाउस पिता की की डिस्टर्बेंस कुंडली क्या में है है मार्स राहु इकट्ठे फोर्थ हाँ हाउस में जी, मेरे आपके हैं हर्षद मेहता की कुंडली में है मार्स राहु अर्षद इकट्ठे पता है? देखिए तभी देखी है ना, नहीं, तभी तो देखिए ना, हर्षद मेहता जी क्या हुआ था उनका साथ, चोरी और उनका बिजली चोरी से ताल्लुक नहीं था उनका तो था उसमें शेयर मार्केट में चोरी तो था, है बिग वर्ड चोरी तो है, ये क्लियर होगा ठीक है, ये आपको चार्ट से दिखेगा, 100% दिखेगा ठीक है। फोर्थ सर फोर्थ और सेवेंथ घर का डिफरेंस समझा दीजिए वो समझ नहीं आया हाउस मेरी खुद की प्रॉपर्टी, सेवन्थ हाउस मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी, अच्छा ठीक है चौथे से चौथा बड़ा लैंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। चलिए अभी दूसरी कहानी सुनते हैं। सेकंड कहानी क्या है, जब
पूर्वजों ने कांड किए हो, होते किसने? हैं ना किसी भी तरह। सुप्रिया जी किसी भी तरह जीवन में हम यहां पे आए हैं तो पंगे करके जाएंगे, ये क्लियर है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत शुद्ध जीवन जीते हैं। दोज आर वेरी ब्लेस्ड पीपल, वेरी वेरी फ्यू सोल्स। चलिए सेकंड सेकंड कारण सुनते हैं। जब एंसेस्टर्स ने, दादा परदादा ने कुछ कांड किए हों। अब कहानी सुनते हैं किसकी? राजा सागर की। राजा सागर कौन थे? राजा सागर अच्छा इश्क वकू डायनेस्टी के राजा थे। उनके दो दो बीवियां थी उनकी। क्या नाम था उनकी बीवियों का? एनीवन, व्हाट नहीं पता। राइट्स वाज द नेम ऑफ द टू बीवीज, टू वाइफ्स ऑफ राजा सागर? केशनी एंड सुमति। तो जो केशनी थी उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया, उसका नाम था असमंजस। और जो सुमति थी उन्होंने 60,000 बच्चों को जन्म दिया, 60,000 सन्स। आओ क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल? अरे नहीं सर, पहले वो उसमें कौरव जैसे सो कर कौरव सकते हटा हैं। हुए थे तो उन लोगों को क्या घड़ों में, शायद मेरे ख्याल से वो आर्टिफिशियल वॉर्म बना करके, उस टाइम में साइंस इतनी ज्यादा चलिए जब मैं एडवांस। आपको कौरवों की कहानी सुनाऊंगा तो 100 बच्चे, कौरव कितने थे? हाउ मेनी कौरव सो कौरवास वर देयर? 100 थे, समथिंग का क्या मतलब है? एक सब बहन पता थी, नहीं है क्या, हंड्रेड एंड वो वन उसकी वन सिस्टर जीरो थी, वन तो 101 101 लड़का, 100 भाई। वन वन सिस्टर आल्सो, तो शाला एक 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 सिस्टर बहन। थी, त्रिशाला। अच्छा रामचंद्र जी कितने थे, मतलब कितने भाई बहन थे? चार चार भाई और एक बहन। भाई और एक बहन, बिल्कुल। चलिए सुमति के 60,000 बच्चे थे, वो थोड़े से गैंगस्टर टाइप लोग थे, तो वो जहां पे जाते हड़कंप मचाते। तो नारद जी ने क्या बोला? नारद जी ने बोला कि सागर जी, राजा महाराजा जी, आप एक काम करिए, आप अश्वमेध सेक्रीफाइस कीजिए। अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या होता था? घोड़े को भगाते थे और जहां जहां घोड़ा भागता था वो रीजन, वो जगह उस राजा की हो जाती थी, अगर सामने वाला कंटेस्ट ना करे तो। ये काफी जगह जीत गए। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने देखा कि भी ये जो इनके 60,000 बच्चे हैं, ये जहां जहां जा रहे हैं हड़कंप मचाते जा रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, नारद जी के कहने पे, नारद जी हमेशा पंगे डालते थे, ठीक है, और तभी उनको वापस भी आना पड़ा, उनके श्राप से विष्णु जी को आना पड़ा था नारद जी के। वो कहानी कभी और सुनूंगा। तो नारद जी के कहने पे इंद्रदेव ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। एंड वेन दैट 60,000 सन्स सॉ कि कपिल मुनि के आश्रम में ये बंधे हुए हैं, इनका घोड़ा बंधा हुआ है, तो उन्होंने काफी बुरा बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो ऋषि मुनि को अगर बोलोगे, जुपिटर को बोलोगे, गुरु को बोलोगे, तो परेशान करेगा ही, तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया। ही बर्नड तो ऑल 60,000 पीपल। तो जो उनका दूसरा भाई था असमंजस, उनको चिंता लगी भी आए क्यों नहीं मेरे भाई लोग, तो वो घूमने लगे, देखने लगे। तो जब वो पहुंचे उन्होंने देखा देर आर 60,000 एशेज और 60,000 बॉडीज। तो उनको लग गया पता, भैया ये तो पंगा हो गया, भाई भी गए और ऋषि का श्राप भी मिल गया। तो उन्होंने पिताजी को बताया, तो पिताजी को बता के सागर बोली तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो उन्होंने जाके बहुत ज्यादा माफी मांगी उनसे, कपिल मुनि जी से। तो कपिल जी कहते ठीक है, आई विल फॉरगिव यू, बट जो मैंने श्राप दिया है वो ऐसे पूरा नहीं हो सकता, यू हैव टू सफर और यू हैव टू पे फॉर द डेट। तो डेट क्या था, या उनको मोक्ष कैसे मिलना था? तो उन्होंने बोला था, एनीवन नोज दिस थिंग? सब भागीरथी, वो मकर संक्रांति उन्होंने बोला था इनको जो सिक्सटी थाउजेंड का बच्चे हैं या इनकी जो बॉडीज हैं, इनको मोक्ष सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकता है जब ब्रह्मा जी से गंगा मैया धरती पर आएंगी और इनकी एशेस धरती इन गंगा में ले जाएंगी। तो ब्रह्मा जी को मनाना कौन सा आसान है? तो सागर जी लग गए इसमें। तो महाराजा सागर ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी ब्रह्मा जी को मनाने में लगा दी, नहीं माने। फिर उनके बेटा असमंजस, उन्होंने भी निकाल दी, तो भी नहीं माने। पूरी जीवन उनका तप करते रहे।
देखो कहानी क्या आ रही है, एक ऋषि मुनि को गुरु को परेशान करने के कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए मेरे को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज भेजा करो। सागर महाराज, फिर उनका बेटा असमंजस, फिर उनका बेटा आयुष्मान, उनका बेटा कौन, दिलीप, दिलीप दिलीप, फिर उनका बेटा भागीरथ जी। हम्म। इन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी, मतलब 4 जनरेशन, कौन, सागर महाराज, असमंजस, असमंजस आयुष्मान, दिलीप यस और भागीरथ की थोड़ी बहुत जिंदगी ब्रह्मा जी को मनाने में चली गई। फिर ब्रह्मा जी के जब ये पूरा हुआ, फिर ब्रह्मा जी मान, भागीरथ जी का जब जब ये पूरा हुआ, फिर ब्रह्मा जी माने कि ओके आई एग्री, आई एक्सेप्ट योर माफी। फिर उन्होंने बोला गंगा जी अब आप नीचे जाइए, तो गंगा जी नीचे आए, उन सबको मोक्ष मिला। तो यहाँ पे दो कहानियां दो इसमें निकल के आती हैं। भागीरथ जी के 4 जनरेशन तक ये सब लोग पूजते रहे, एक तो ये मोक्ष मिला, पितृदोष था ना, पितृदोष हाँ ये था। पितृदोष था, उनको मोक्ष मिला, और उनके परिवार में किनका जन्म हुआ, रामचंद्र जी का श्री रामचंद्र जी का। तो ये बात गारंटेडली तय है, शास्त्रों में लिखा है, कहानियों में भी है, कि अगर हम अपनी जीवन में इफ वी डू तर्पण करेंगे या अच्छे काम करेंगे, गुड कर्मास, देन वी आर श्योर टू हैव बॉर्न विद द पीपल, बॉर्न विद द चाइल्ड ब्लेस्ड बाय द गॉड। क्लियर हुई चीज, उनकी 4 जनरेशन, क्योंकि वो सतयुग वाली बात है, पूरा पूरा जीवन निकाल देते थे। हमारे जीवन में क्या है, इससे क्या सीख मिलती है, कि अगर हम सच्चे हैं, इफ वी आर ट्रुथ ट्रुथफुल फॉर एवरीवन, इवन वी इफ वी डोंट हैव एनी इल विल इन आवर माइंड, इट इज श्योर दैट वी विल बी ब्लेस्ड बाय अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, दे आर ब्लेस्ड बाय द गॉड हिमसेल्फ। अब उसके बाद श्री रामचंद्र जी को भी पता था कि मैं आया तो हूं, क्यों आया हूं, नारद जी ने श्राप दी था, मेरे ही स्टूडेंट ने, मेरे ही भक्त ने मेरे को श्राप दे दिया, तो मेरे को आना पड़ा। बट ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इन द ह्यूमन फॉर्म। तो उन्होंने एक चीज का श्योरिटी थी कि अगर मैं अपने पिताजी के वचनों का उल्लंघन करूंगा, देन अगेन माई फैमिली हैज टू गो थ्रू ऑल दीज कर्सेज। ऑन द टाइम और ऑन द ईव ऑफ द डे वेन ही वॉज अबाउट टू गेट इनथ्रोन्ड, अयोध्या के महाराजा बनाया जाना था, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ हिज फादर ही हैड टू लीव अयोध्या, और 14 साल के लिए वन जाना पड़ा, जंगल जाना पड़ा।